It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम बैक टू रोन यूट्यूब चैनल अकेडमी गेट सी एच गुड इवनिंग नहीं गुड आफ्टरनून चल रहा है गुड आफ्टरनून सही बच्चों को तो कैसे हो भाई सब लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो तो यार एक बार जल्दी से कैसे हैं सब लोग और बताएंगे सब लोग ऑडियो एकदम अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज बढ़िया क्लास होने लगी कॉलम बेसिस पढ़ने वाले हम लोग ठीक है कॉलम बेस क्या होता है बढ़िया तरीके से समझेंगे आज ठीक है चलो शुरू करते हैं यार उससे पहले कौन कौन जुड़ गए अपने साथ लोन फहीम है दुर्गेश जी हैं जितेंद्र हैं इलियास हैं रोहित सौरभ विजय प्रियांशु काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए हैं भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे सब लोग और सेशन को फटाफट शेयर करो शेयर वेयर करेंगे सब लोग शुरू करते हैं पहले कुछ बेसिक बातें होंगी उसके बाद हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार कॉलम बेस गसेट बेस ग्रेज फाउंडेशन वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो कंप्रेशन नंबर के बाद ही लेना इसको थोड़ा सही भी था हमने सोचा क्योंकि इसके है ना बैलेंस हो जाएगा सब कुछ कॉलम उन्हें है तो अब कॉलम का बेस पढ़ लेते हैं और कॉलम कैप पढ़ लेते हैं तो आज हम लोग बेसिकली कॉलम बेस क्या होते हैं कॉलम कैप क्या होते हैं यही हम लोग बातें करेंगे ठीक है इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे चलो शुरू करते हैं उससे पहले सभी लोग सर क्या हर हम जानते हैं सर की बेस्ट गेट हैं फिफ्टी फाइव थ्री हंड्रेड एक्सपर्ट गेट एसी के अंदर है और सर ने अपना एम टेक आईडेडी से कर रखा है स्ट्रक्चर्स के अंदर और लगातार चार बार गेट निकाला सर ने और नाइन हंड्रेड टू सर का बेस्ट गेट स्कोर है यहाँ पे देख सकते हो टीचिंग एक्सपीरियंस सर का चार साल का सब्जेक्ट्स ये सारे हैं जो सर तुमको पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल इसमें से तुमको स्टील पढ़ा रहे हैं इसमें से तुमको फिलहाल हम स्टील पढ़ा रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे और मैथमेटिक्स चल रहा है रात में दस बजे ठीक है टाइमिंग सब लोग नोट कर लो मैथमेटिक्स जो है रात में दस बजे रहता है आज अच्छे हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आज हम लोग का जो मैथमेटिक्स रहने वाला है आज हम लोग का थोड़ा जल्दी होगा नौ बजे ठीक है तो हम लोग रिकॉर्ड देख लेना आज कुछ काम है फिर से तो हम लोग जो है आज मैथमेटिक्स रात में नौ बजे कर लेंगे ठीक है नाइन पी एम मैथमेटिक्स शुरू होगा और आज टॉपिक शुरू होना लिमिट शुरू होगा ठीक है क्लास अपनी नौ से सवा दस रहेगी और हम लोग नौ से सवा दस में खत्म कर लेंगे इसको ठीक है तो बस यही रहने वाला आज का शेड्यूल लिमिट्स रहेगा मैथ्स में और स्टील चल रहा है अपना सर डेढ़ बजे चलता रहेगा वो उसमें कोई दौरा है नहीं स्टील फिलहाल मतलब भर की तुम्हारी हो ही गई है कॉलम बेस पढ़ना है बस हम लोग को ठीक है ये भी छोटा सा टॉपिक है ज़्यादा कुछ है नहीं फॉर्मले वॉमले हैं दो चार बस बेसिक से तुमको हम पूरा अच्छे से विजुलाइज कराते हैं और फिर तुमको सॉल्व ऑल करवाएंगे और तुम आराम से सब कुछ सीख जाओगे ठीक है चलिए ठीक है सर तो ये हमारा शेड्यूल चल रहा है बाकी हमारे वहाँ जान, जानते ही तुम लोग कोड सर का पता ही है तुमको सी जिसको यूज़ करके तुम प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस के अंदर तुमको लाइव क्लासेस सारी क्रैश कोर्सेज वीकली टेस्ट डाउट सॉल्विंग सेशनस इंग्लिश हिंदी बैचेज और रैंक इम्प्रूवमेंट बैचे मिलते हैं और आइकॉनिक के अंदर तुमको क्या मिलता है यार पर्सनल कोच ठीक है पर्सनल कोच तुमको मिलता है जो कि तुमको गाइड करेगा तुम्हारी स्टडी को प्लान करेगा ठीक है तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होगी बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल मिलेगा स्पेशलाइज नोट्स हैं प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे और स्टडी प्लानर तुमको मिल रहा है उसके अलावा तुमको क्या मिल रहा है इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस मिल रही है और बूस्टर सेशंस मिल रहे हैं ठीक है तो ये सब कुछ तुम्हारा होने वाला है किसके ऊपर यार प्लस और आइकॉनिक के ऊपर ठीक है तो उसको चेकआउट कर सकते हो बाकी प्राइस हाइक थोड़ा सा डिले किया गया था क्योंकि लर्नर्स की डिमांड थी बहुत ज़्यादा उसके से प्राइस हाइक को थोड़ा सा बढ़ाया गया आगे लेकिन उसकी फाइनल डेट आ चुकी है और तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बैच शुरू होने वाला है दो सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं कब बात कर लेते हैं सर दो सब्जेक्ट हमारे शुरू होने वाले हैं एक तो साढ़े बजे सुबह जे एस गिल सर मैकेनिक शुरू करेंगे ट्वेंटी ऑफ जुलाई को और यहाँ पे जसपाल सर शुरू करेंगे तुम्हारे पाँच बजे शाम में कौन सा जियोटेक और फाउंडेशन ठीक है शाम को पाँच बजे शुरू करेंगे तो ये तुम्हारा होने वाला इक्कीस जुलाई से ठीक है इक्कीस ऑफ जुलाई ट्वेंटी ऑफ जुलाई शुरू हो गई तो एक्सेलट और आरोहन दो तुम्हारे बैच चल रहे हैं गेट ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी के लिए तो यहां पे तुम लोग चेकआउट कर सकते हो उसको सारे टॉप एजुकेटर तुमको अन अकेडमी की एप पढ़ाएंगे और कोड तुम यूज कर सकते हो यार सीएसएन ठीक है सीएसएन कोड यूज कर सकते हो तुम लोग इसको बढ़िया तरीके से एकदम और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अब देखो कमाल क्या दिया है कि इसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा देखो प्राइस हाइक की जो लास्ट डेट आई है वो ट्वेंटी ऑफ जुलाई है और सिमिलरली यहाँ पे ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई से एक इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश बैच के अंदर तुम लोग का हाईवे इंजीनियरिंग शुरू हो रहा है बाय राजेंद्र प्रसाद सर ये है राजेंद्र प्रसाद सर जो साउथ के बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा एकदम ठीक है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो प्राइसिंग जो बढ़ रही है वो देख लो जरा ऐप अगर तुम चेक करो तो सेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट इंक्रीमेंट होने वाला है मतलब जो तेरह हजार 750 में चौदह हज़ार हो जाएगा थ्री मंथ में सिक्स मंथ मन, ट्वेल्व मंथ सब में बढ़ने वाला है देख सकते हो आप प्राइजिंग किस तरीके से बढ़ रही है ठीक है और ये जो लास्ट डेट टू अवेल दीज प्राइजे है वो है ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी ऑफ जुलाई के जब ट्वेंटी ऑफ जुलाई आएगा तो प्राइजेस बढ़ चुके होंगे तो ट्वेंटी से नए प्राइजेज इफेक्टिव होंगे ठीक है ट्वेंटी सेकेंड को नए प्राइजेज ट्वेंटी को पुराने प्राइजेज तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई से पहले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कमाल क्या यह कि बचेज में भी एनरोल कर सकते हैं ठीक है बैचेज में जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से ठीक है जो लोग ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात चल रही है भाई ठीक है और वैसे भी ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो सब कुछ निकली चुका है और अन अकेडमी जो है तुमको यहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी दे रहा है जिसके अंदर तुमको कैंपस प्लेसमेंट की भी तैयारी चला रही है, है ना चल रही है कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी चल रही है जिसके अंदर तुमको वर्बल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी कोडिंग स्किल्स प्रोग्रामिंग लॉजिक ये सब कुछ सिखाया जा रहा है ना ऑफर प्राइस यहाँ पे देख रहे हो थर्टी फाइव थाउजेंड चल रहा है जिसके अंदर तुमको गेट गटीएस प्लस कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी पूरी पूरी कराई जाएगी तीन महीने की ट्रेनिंग है ठीक है तो बस यही तुमको बता रहे हैं कि तुम अगर एक डेढ़ या दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें तुमको यहाँ पे थ्री मंथ्स का यहाँ पे एडिशनल एक कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम मिल रहा है ठीक है बाकी बग्स बाउंड्री एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर तुम्हें पता ही है कि अगर तुम कोई इनअप्रोप्रियट इशू या कुछ भी तुम्हें कोई कंटेंट है जिसमें लगता है कि तुम बग ढूंढ सकते हो तो उसको इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है को सेंड करो और तुमको वहाँ पे प्राइज मिलेगा ठीक है तो अपना प्राइज फिर तुम जीत सकते हो क्लेम कर देना ठीक है इसको जरूर से चेकआउट करो बाकी कॉम्बैट अब हमारा बच रहा है ओनली एंड ओनली ट्वेंटी फाइव वाला अट्ठारह का तो खत्म हो गया ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को कॉम्बैट होगा सुबह ग्यारह बजे सभी बच्चे उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे बढ़िया से ठीक है तो सी एस एन कोड लगाना अच्छा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई से फीस बढ़ रही है तो ट्वेंटी फाइव कॉम्बैट का मतलब है नहीं देखो उन्नीस आज हो गई है उन्नीस हो गई है बीस उन्नीस बीस इक्कीस तीन दिन वापस हैं सब्सक्रिप्शन के लिए बाकी तुम पच्चीस को तुम देख लेना अगर आगे तुमको मिलता है टॉप हंड्रेड में आओगे तो तब भी स्कॉलरशिप मिल जाती है चेकआउट कर लेना और यहाँ पे तुमको वीडियो सोल्यूशन मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है कॉम्बैट सभी लोग अटेंड करेंगे ठीक है बाकी अन अकेडमिक प्राइजिंग अगर चेक करें तो एक साल डेढ़ साल दो साल की प्राइसिंग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी नाइन थाउंडिवली और सिमरली आकोनिक है ठीक है फोर्टी फाइव फिफ्टी एट सिक्स थाउजेंड अनअकेडमी के ऐप पे चेक कर लेना और अन अकेडमी के ऐप पे जाकर हमको फॉलो भी कर लेना ठीक है चलो तो ये सारी बातें सर हो गई हैं अब हम लोग आते हैं कहाँ पे कॉलम बेसिस के ऊपर आते हैं ठीक है तो आज की जो क्लास है यार उसमें हम लोग को देखना है कॉलम बेसिस क्या होते हैं क्या फंक्शन है थोड़ा सा तुमको विजुलाइज़ कराते हैं जरा इमेजेस वगैरह दिखाते हैं थोड़ा देखते हैं हम लोग ध्यान से समझ में आएंगी चीज़ें और यहाँ पे डाउट आ गया सर लास्ट लेक्चर में स्टेप फाइव में एंड डिस्टेंस होना चाहिए था अच्छा अब लास्ट लेक्चर में एंड स्टेप नंबर फाइव भी बहुत बढ़िया हमको याद ही नहीं है बेटा लोड के डायरेक्शन में एंड डिस्टेंस और पिच होता है ना हाँ कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है और सौरभ पूछ रहे हैं स्पेशल क्लास तो स्पेशल क्लास आज नहीं कल से हो जाएगी चार बजे ठीक है कल से चार बजे लगा देंगे चलो तो ठीक है शुरू करते हैं यार हम लोग यहाँ पे कॉलम बेस और कैप हमको पहले समझना है सर कॉलम बेस क्या होता है कॉलम कैप क्या होता है अच्छा हमसे तो हम तुमसे पूछते हैं यार चलो तुम एक इंसान हो ठीक है कॉलम तो चलिए बात की बात है सर हम इंसान की बात करते हैं हमें बताओ इंसान जो है वो अगर उसके बेस और कैप की बात करें अगर मान लो एक हमारा यहाँ पे एक वर्टिकल एक इंसान खड़ा हुआ है तो कैप कहाँ पहनता है आदमी बता दो जरा हमको सोच के दो भैया आज हमको बताओ कैप कहाँ पहनेगा और जो उसके शूज़ हैं वो उसका बेस हो जाएंगे एक तरह से समझने की कोशिश करो हम कॉलम और इंसान को कंपेयर करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को समझाना चाह रहे कॉलम बेस और कैप होता क्या पहले वो समझ लो फिर इमेजेस तो दिखाएंगे बहुत सारी थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है सर जी ई ए का स्टील क्वेश्चन देखे नहीं अभी नहीं देखे हैं थोड़ा बहुत देखा था अभी पूरा नहीं देखा है करा देंगे ई सी के तुम लोग को स्टील के क्वेश्चन करा देंगे कोई बड़ी चीज़ नहीं है कैप आदमी कहाँ पह जल्दी बताओ है ना फुट एंड हेड बिल्कुल सही लोन फही बेटा बिल्कुल सही बात है जैसे हमको पता ही है सर हमको पता है इंसान है तो कैप यहाँ सर पर पहनता है और बाकी जो है बेस यहाँ पे जो यहाँ पे अपना शूज़ पहनता है ठीक है सीधी सी बात है शूज़ भी ऐसे रहने चाहिए कंफर्टेबल रहे ताकि ज़्यादा इसमें पैर पे जोर ना पड़े ऐसी कोशिश करनी वैसे ही हमारा कॉलम होता है सर वैसे ही यहाँ पे हमारा कॉलम होता है ध्यान सुनो बेटा जग जाओ बहुत ध्यान सुनो वैसे ही हमारा क्या होता है कॉलम का बेस होता है और कॉलम का कैप होता है आप तो हमसे बताओ हमको तो बताओ मान लो हमने यहाँ पे एक

सर हम सीधी बात है इसको लोड को हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो हम लोग यहाँ पे नीचे एक देते हैं बेस स्टील का एक बेस बनाते हैं ठीक है देखो वैसे भी ये बेस बनाते हैं और उसके नीचे हमारा एक होता है कॉन्क्रीट का पेडेस्टल पूरा कॉन्क्रीट का पूरा पेडेस्टल होता है फिर इस तरह से फोर्स हमारा सॉइल में ट्रांसफर इसके नीचे होती है सॉइल इसके नीचे सॉइल होती है बताओ कितने लोगों ने देख रखा है अरेंजमेंट आज तुमको वैसे इसकी इमेजेस दिखाने वाले हैं बहुत बढ़िया थी ठीक है ये जो सर आपने बनाया ना ये इसको ही बोलते हैं लोग क्या इसको ही बोलते हैं सर हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम बेस बोलते हैं ठीक है कॉलम बेस बोलते हैं इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग कॉलम हाँ बिल्कुल कोरोजन भी, भी, भी हो सकता है और प्रेशर भी ज्यादा होगा बिल्कुल डायरेक्टली हम लोग कभी इसको सॉइल पे नीट टच कराते हैं कोरोजन भी हो सकता है और ठीक है बाकी प्रेशर ही बहुत ज्यादा होगा उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं देखो नीचे पेडेस्टल है अपना ये कॉन्क्रीट का तो देखिए सर कॉलम से हमारा बेस बेस से पेडेस्टल कॉन्क्रीट है ये पूरा कॉन्क्रीट के बाद नीचे आपका सॉइल होगी ये आपका सिस्टम है अब कैप क्या है अच्छा हमको बता दो सब लोग कमेंट करके कि कॉलम पे लोड आता कहाँ से है ये बताओ तुम अपने घर में कॉलम के ऊपर खड़े हुए हो अभी हमको बताओ सोच के अगर तुम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रह रहे हो तो कॉलम के ऊपर खड़े हुए हो क्या कॉलम पे लोड कहाँ से आता है कोई बताएगा हमको सर कॉलम पे जो लोड आता है वो जो हमको लग रहा है हाँ बिल्कुल स्टेशन पे पेट्रोल पम्प बिल्कुल ये सब चीज़ें होती हैं हाँ बिल्कुल देख रखा है तुमने अभी मेरे भी सिखाएंगे तुमको हमको बताओ पहले कॉलम में लोड कहाँ से आ रहा है और कॉलम कैप क्या होगी कॉलम बेस की वाले बात करेंगे फिर हम लोग कॉलम कैप की बात करेंगे ठीक है इमेजेस जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में है पहले आपको सब लोग कमेंट कर बताएंगे कॉलम पे लोड आता कहां से है कॉलम में लोड कहां से आता है अच्छा बीम पर से बिल्कुल सही हाँ बीम पर से आता है स्लैब से आता है बिल्कुल सही बात है ये भी सही है तो अब यहां पे देखो ऐसा है कॉलम के ऊपर यहाँ पे लगती है कैप यहाँ लगती है कैप और इसके ऊपर हमारी बीम वगैरह रखी होती है इसके ऊपर एक बीम इधर रहेगी एक बीम इधर रहेगी ठीक है एक इधर भी से भी आ रही होगी एक उधर से भी आ रही होगी चार उधर से भी आती है और उस कैप के ऊपर रख जाती हैं उस कैप नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ मैसे मान लो ये हमारी एक प्लेट है ये हमारी एक प्लेट है इसमें एक बीमा इधर से एक बीमा इधर से एक, आ इधर, से, एक आ इधर से एक आ इधर से और यहाँ पे आके रख गई अब इस प्लेट में सब कुछ रखा हुआ है और प्लेट से सारा लोड कहाँ चला गया प्लेट से सारा लोड कहाँ चला गया कॉलम में इसी प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं इसी प्लेट को क्या बोलते हैं जहाँ पर सारी बीम से लोड आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम कैप ये क्या है सर वॉट इज दिस दिस इज सर कॉलम कैप दिस इज कॉलम कैप अच्छा कुल मिला के कॉलम का सर है सर ये है ना कॉलम के सर पे लोड भेजने के लिए कॉलम कैप का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम से लोड हटाने के लिए कॉलम बेस का इस्तेमाल करते हैं फिर वो जाता है क्वानिटी के अंदर बताओ बात समझ में आई बता दो यही हेडिंग देखो चैप्टर ही यही है अब इसका डिजाइन देखो बेस और कॉलम कैप का डिजाइन सिमिलर है हम लोग बेस और कैप को अलग अलग लेके नहीं चलेंगे हम लोग लेकिन फिलहाल बेस का डिज़ाइन देखेंगे कैप का सिमिलर वे में तुम लोग खुद समझ लो गए ठीक है जरूरी नहीं वो पढ़ना वैसे तो लेकिन पहले तुमको पता होना चाहिए कि बेस और कैप क्या होता है एटलीस्ट एक नंबर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन सकता है ठीक है सर चलिए बात समझ में आई आपकी हमको मतलब आप हमको कैप और बेस के बारे में समझा चुके हैं कैप वो एक प्लेट जिससे लोड उस पर आ रहा है कॉलम के ऊपर और बेस वो लोड जिससे कॉलम से वेट निकल के आगे जा रहा है कॉन्क्रीट में और फिर कहाँ जाएगा सॉइल में ये आपने हमको समझाई ये बात है ना अब इसकी थोड़ा सा इमेजेस देख लेते हैं जरा इसकी थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया डायग्राम देख लेते हैं जो बुक्स में बने हुए हैं उसको देखते हैं ना परलिन हाँ परलिन तो पढ़ाएंगे बेटा सब पढ़ा हमको पता है ये सब जो तुमको हम स्टील जो पढ़ा रहे हो वो सी के लिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही सब कुछ टॉपिक्स ए सी में ही आते हैं वो सब गेट वाला हो गया सारा ठीक है एक सेकंड रुक जाओ एक दो तीन ये आ गया चलो जरा देखो जरा यह डाइग्राम बनाया किसका कॉलम कैप का बना है पहले कॉलम कैप थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी अच्छा कल पर्लिन क्वेश्चन आया था क्या क्या आया पर्लिंग क्वेश्चन में कल बताओ कुछ बताओ भाई ये सर हमारी कॉलम कैप के देखे दो एग्जाम्पल यहाँ पे आप दिखा रहे हैं ये कॉलम हमारा ठीक है ये सर हमारा कॉलम है बिल्कुल सर ये कॉलम कैप हो गई ये कॉलम कैप हो गई ओके सर और यहाँ देखो ऊपर बीम से और बीम से लोड कॉलम कैप से फिर कॉलम कैप से कॉलम में आ जाएगा ठीक है सिंपल बात है इसको लिख देंगे बीम सपोर्टेड ओवर कॉलम बीम्स सपोर्टेड ओवर कॉलम तो बीम और कॉलम डायरेक्टली दूसरे के टच में नहीं होते हैं बीच में यहाँ पे कॉलम कैप लगी होती है चलिए बाकी अगर तुम यहाँ देखो इसमें क्या है ट्रस है देखो ऊपर ट्रस लगी हुई है ट्रस से जो है कॉलम में जब लोड जा रहा होता है देखो ये ट्रस है ठीक है ये हमारी गसेट प्लेट है गसेट प्लेट देख रहे हो हाँ सर उसमें एक ट्रस में एंगल अपना जा रहा है जो गया, नीचे अपना एक एंगल आया तो ट्रस शू ये हमारा ट्रस शू हो गया और ट्रस शू से फोर्स कहा गया सारा का सारा कॉलम कैप में फिर कॉलम कैप से सर पे आया कॉलम में कहा अच्छा 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 तो अब तुम लोग लिखना शुरू कर सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम कैप की डेफिनेशन लिख रहे हैं चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सामने बनी हुई है वो प्लेट है जो प्रोवाइड की जाती है बिटवीन मेंबर ट्रांसफरिंग रिएक्शन टू द कॉलम एंड टॉप ऑफ द कॉलम ठीक है प्लेट्स प्रोवाइडेड बिटवीन दीज आर द प्लेट्स प्रोवाइडेड प्लेट्स प्रोवाइडेड बिटवीन क्या भाई एक तो हमारे जो मेंबर जो रिएक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं और जो कॉलम है ठीक है कॉलम के टॉप में इनके बीच में ठीक है तो प्लेट्स प्लेटेड बिटवीन मेंबर ट्रांसफर रिएक्शन टू कॉलम बिटवीन मेंबर ट्रांसफरिंग फोर्स या रिएक्शन मेंबर ट्रांसफरिंग रिएक्शन टू कॉलम मेंबर ट्रांसफरिंग रिएक्शन ठीक है टू कॉलम जैसे बीम हो गई ऊपर है ना एंड टॉप ऑफ कॉलम ठीक है तो ये हमारे जो फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं नीचे और कॉलम के टॉप के बीच में एंड टॉप ऑफ द कॉलम ठीक है टॉप ऑफ द कॉलम कॉलम का टॉप जरूरी है बॉटम पे नहीं होता देखो ये बात समझ लो टॉप ऑफ द कॉलम बहुत जरूरी है ठीक है कॉलम का टॉप होना बहुत जरूरी है जैसे एग्जाम्पल तुमको समझ में आ रहे हैं नीचे दो एक्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे यहाँ पे दो एज्जाम्पल वाले बना दिए कि भाई देखो या तो बीम से लौटा सकता है या तो ट्रस से लौटा सकता है दोनों केस समझ में आ गए होंगे ठीक है तो उम्मीद करें कॉलम कैप तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को अच्छा पॉइंट सिक्स वी वाला भी आया था मतलब बीम वाला आया था है ना क्वेश्चन टेंशन नंबर से क्वेश्चन आया था लेसिंग से भी आया था अच्छा डब्ल्यू एल वाला टेन वाला आया था हाँ वो तो बहुत बेसिक है डिजाइन बर्डिंग मोड वही होता है पर्लिन में है ना अरे सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है अच्छा समझ गए हम समझ गए तुम लोग कितना अटैम्प्ट किए बताओ तुम लोगों ने अटैम्प्ट कितना किया टेक्निकल में बताओ किस कोई बताएगा कि नहीं टेक्निकल में और नॉन टेक में कितना अटैम्प्ट किया तुम लोगों ने कोई बताओ कमेंट करके गुड आफ्टरनून यार कोई बताओ हमको जरा आज जल्दी से अच्छा एक जीएनबी क्वेश्चन आया था हाँ जी सब कॉमन चीजें हैं तो हो गया आसान सा था चलिए सर अब हम बात करते हैं कॉलम बेसिस की देखो कॉलम बेसिस देखो यार तीन तरह के होते हैं यार कॉलम बेस अच्छा तीन तरह के होते हैं पहले एक, एक स्लाइड में लोग समझ लेते हैं फिर उसके बाद आप बताइएगा है ना कॉलम बेसिस हमारे तीन तरह के होते हैं दो सौ बारह आ रहे हैं चांस है कह सकते हो चांस है बिल्कुल जस्ट चांस है लेकिन इस बार ऑफ थोड़ी सी हल्की सी ऊपर ही जाएगी लग रहा है कोई नहीं कोई नहीं हल्का सा चांस है बिल्कुल दो सौ बन सकता है लेकिन पता है इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की चांस लग रही है तो जहाँ तक तो एक एक्सपर्ट बता रहे हैं सब ठीक है पेपर एक बार देखना पड़ेगा सही से चांसेस तो बिल्कुल हैं लेकिन प्रॉब्लम ना आगे तुमको मे से बहुत अच्छा करना पड़ेगा बस ये बात है हाँ बेटा इन टोटली बताएगा और फिर अलग अलग बताएगा दो सौ बारह किसी भी एक पेपर आ तो वैसे ही सिलेक्शन पक्का था तुम तो यार ऐसी बात कर रहे हो <laughs> बेटा अन्य बड़ा सवाल ना पूछा करो चलिए सर हमको बताइए देखिए कॉलम बेस हमारे तीन टाइप के होते हैं कितने टाइप के होते हैं सर जी तीन टाइप के वन टू थ्री कितने टाइप के होते हैं सर देखो सर एक कॉलम बेस आपका ये हो गया तीन टाइप के जनली हम लोग बेसिस प्रोवाइड कर करते हैं है ना जनरली कौन कौन सा सर एक हमारा कहलाता है स्लैब बेस एक हमारा कहलाता है पहला स्लैब बेस बहुत बेसिक सा होता है ये ठीक है स्लैब बेस होता है इसकी इमेज दिखाते हैं फिर समझाते हैं और हर एक चीज देखना तो यहाँ पे फर्क समझने की कोशिश करना तीनों के अंदर ठीक है स्लैब बेस दूसरा हमारा होता है गसेटेड बेस ठीक है ये सब क्वेश्चन बताए ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं तभी पढ़ा रहे मैं तुमको अभी तुम अगली बार पेपर देख के आओगे कहोगे सर गसेट बेस से क्वेश्चन गया अगली बार पेपर तो कहोगे ग्रिले से फोटिंग से क्वेश्चन आ गया कभी स्लैब से आ गया क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने को मिलते रहेंगे ठीक है अच्छा सर अगला हमारा है सेकेंड गसेट बेस गसेटेड भी बोल सकते हैं गटेड लिख दोगा सेटेड बेस ये ये हो गया और तीसरा तुम्हारा होता है ग्रिलेज तीसरा तुम्हारा होता है ग्रिलेज फुटिंग ठीक है ग्रिलेज कुटिंग ग्रिलेज जी आर आई एल एल ए जी ई ग्रिलेज फाउंडेशन बोल सकते हो ये भी सही है कॉलम कैप सब समझ गए कॉलम कैप सर हमको समझ में आ गया हमको बस वही समझ में आया अभी तक अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम बेसिस की कि कितने टाइप के कॉलम बेसिस होते हैं कितने टाइप के कॉलम बेसिस होते हैं हम लोग देखो रिलेज का टाइम मिलेगा तो रिलेज का डिज़ाइन तुमको हम पढ़ा देंगे वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ठीक है ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दोनों तुमको हम पढ़ाएंगे ठीक है ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉलम बेस सर तीन टाइप के हो गए अब सर ये हम पहचाने कैसे हमको तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कब कौन सा देना है वो बताइए ठीक है जब देखो लोडिंग इसमें दो तीन पॉइंट छोटे छोटे यहाँ पे लिख दे रहे हैं जब लोडिंग बहुत लाइट है स्लैब बेस देखो जनली तब दिया आता है जब आपका एक तो देखो एक बात समझो एक बात समझो यार यहाँ से हमारा जो देखिए सर इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कॉलम बेस देते क्यों है तभी हम लोग को थोड़ी कहानियाँ अच्छी समझ में आ पाएगी पहली स्लाइड में लोग ये लिखते हैं कि सर कॉलम बेस आखिर दिया क्यों जाता है देखो कॉलम बेस का मेन काम ये है कि कॉलम से लोड जो आ रहा है उसको सेफली हम लोग सॉइल तक पहुँचा दें यस लिखेंगे पहले से लोग कॉलम बेस का सबसे मेजर काम क्या है कि जो हैवी लोड कॉलम से आ रहा है उसको नीचे पेडेस्टल कॉन्क्रीट पेडेस्टल तक या सॉइल तक ईजिली ट्रांसफर कर दें एकदम सेफ्टी के साथ यही सबसे तो मेन काम है इसके साथ साथ इसके एक दो काम और हो जाते हैं जैसे अगर आप प्लेट को प्रोवाइड कर देंगे तो अगर आप देखिए कॉलम है और नीचे आपने प्लेट दे दी कॉलम आपने नीचे प्लेट दे दी तो होता क्या है प्लेट जो होती है ना सर वो इसकी कॉलम की वर्टिकैलिटी vertical, को मेंटेन करती एक तो तरह से कॉलम हमारा वर्टिकल बना रहेगा इधर उधर नहीं भागेगा ठीक है थीके? कॉलम की वर्टिकलिटी हम कह सकते हैं कॉलम अपना पोजिशन में बना रहेगा यह सू बता दो सब लोग है ना और कॉलम का जो डिफ्लेक्शन है जो डिफ्लेक्शन हो सकता है फ्रेम अगर फ्रेम पूरा बनाए तो या कॉलम तो उसका डिफ्लेक्शन ये सब चीज़ें कंट्रोल में आती हैं अगर कॉलम बेस आप देंगे तो ठीक है कॉलम बेस काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे और लोड हाँ बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा एकदम सही बात है लोड को बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिल्कुल सही बात है ठीक है तो ये इसका मेन काम है ये इसका मेन काम हो गया ठीक है तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से हम लोग कि सर देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो हमारे स्टील कॉलम्स हैं तुम लोग जैसे तुम लोग बता रहे हो कि हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म गए और कई जगह हैं तुमने सबने जरूर देखा होगा स्टील कॉलम्स ठीक है सारे स्टील कॉलम्स जितने भी हैं जनरली उनको कॉन्क्रीट ब्लॉक या कॉन्क्रीट पेसिल के ऊपर लिखा जाता है यस लिखो बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से पहले बताओ ये देखा सबने स्टील कॉलम्स आर जनरली आर जनरली प्लेस्ड ओवर कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आर जनरली आर जनरली प्लेस्ड ओवर प्लेस्ड ओवर कॉन्क्रीट ब्लॉक्स सर ये तो आपकी बात हमें अच्छी लग रही है क्योंकि हमको तो याद ही आ रहा है हमने जब रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पर कहीं पर देखा है तो हमको वहाँ पर जो स्टील कॉलम से जनली क्या होता है स्टील कॉलम एक बेस और उसके नीचे एक पेडिस्टल होता है जर्ली ऐसा ही होता है ठीक है तो अब हमारा लोड अच्छे से ट्रांसफर हो जाए है न अगर ये लोड थोड़े से भी ज़्यादा हुए अगर ये लोड थोड़े से भी ज़्यादा हुए देखो एक बात समझने घूस कर और हम क्या बोल रहे हैं ये लोड अगर तुम डायरेक्टली पेडस्टल के ऊपर डाल दोगे मान लो, लो ये तुम्हारा कॉन्क्रीट पेडेस्टल है ठीक है और इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़िया नहीं है ठीक है मान लो ये तुम्हारा कॉन्क्रीट पेडस्टल है और इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़िया नहीं है इसकी बियरिंग कैपैसिटी बढ़िया नहीं है बताओ क्या होगा अरे कुचल जाएगा भाई आवाज़ आ जाएगी इसमें ये नीचे जाएगा सीधे सब तोड़ देगा दो मिनट के अंदर पूरा तोड़ देगा ठीक है हाँ बिल्कुल डबल नट भी लगेगा अभी हम तुमको नेट वट सब दिखाने जा रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो बताओ यहाँ ब्रेक हो जाएगा कि नहीं तो इससे बचने के लिए लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक प्लेट दे रहे हैं जो लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ एक लाइन लिखने हैं उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम बेस की रीट यहाँ लिखेंगे कि इफ इफ स्टील कॉलम्स इफ स्टील कॉलम डायरेक्टली प्लेस्ड इफ स्टील कॉलम इज डायरेक्टली प्लेस्ड ओवर कॉन्क्रीट ब्लॉक इज डायरेक्टली प्लेस्ड इज डायरेक्टली प्लेस्ड ओवर कॉन्क्रीट ठीक है ट कॉन्क्रीट में फेल या कॉन्क्रीट में गेट क्रस्ड कॉन्क्रीट में फेल अंडर बियरिंग ठीक है सर बियरिंग बहुत ज्यादा बियरिंग प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा ठीक है कॉन्क्रीट में फेल अंडर बियरिंग ठीक है अच्छे से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है ठीक है तो हमने यहां पे क्या प्रोवाइड किया हमने क्या करा प्रोविजन ऑफ स्लैब बेस हम लोग करते हैं यहाँ पर ठीक है, है? इसलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोविजन ऑफ स्लैब बेस करते हैं अब सर इसका काम क्या है सर देखिए बहुत सिंपल से काम है इसके है ना प्रोविजन ऑफ यहाँ पे स्लैब बेस करते हैं ठीक है स्लैब बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि भाई ये वाली प्रॉब्लम कॉन्क्रीट आपका फेल ना करे और लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं सर देखिए फायदा अगर हम यहाँ लिखें सबसे पहला फायदा तो यही कि लोड आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो बेयरिंग कैपेसिटी कॉन्क्रीट की बेकार थी वो उस पर उसको उतना बेयरिंग प्रेशर नहीं मिलने वाला ठीक है स्लैब बेस कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं होगा बेटा ऐसा क्यों ये क्या बता रहे हो अभी पढ़ लो सब समझ जाओगे अपने आप ठीक है कंप्रेशन वेशन को मतलब नहीं यहाँ पे उसमें मेनली कंप्रेशन ही रहता है है ना बियरिंग प्रेशर जो ऊपर उसको मिलता है नीचे से वो बेंडिंग ओमेंट सीरफोर्स सी नहीं आते हैं चलो ठीक है तो यहाँ लिखते हैं कि कॉलम लोड को स्टील बेस प्लेट है ना हमारी जनरली प्रैक्टिस क्या होती है कि कॉलम से जो लोड आ रहा है उसको स्टील की बेस प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट करें क्यों भाई इसीलिए डिस्प्यूट करें और फिर जो है डिस्प्यूट करने का उसका भेजें ठीक है बिल्कुल चलो सब सही बोल रहे एकदम पहला यहां पे लिखेंगे जनरली हम लोग क्या करते हैं जनरली जनरली कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट ना बोलो यहां पे जनरली स्लैब बेस इज प्रोवाइडेड generally slab base is provided which distributes column which distributes column load which distributes which distributes which distributes column load which distributes column load to steel base plate column load to steel base plate एंड देन टू कॉलम ठीक है एंड देन ट्रांसफर टू कॉन्क्रीट ब्लॉक एंड देन ट्रांसफर टू अब सेफली हो जाएगा ट्रांसफर है ना या लिखेंगे एंड देन ट्रांसफर सेफली एंड देन ट्रांसफर सेफली टू सेफली टू कॉन्क्रीट ब्लॉक चलिए ठीक है सर आप समझ में आएगी आप मतलब यहाँ पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस इसके और भी काम है कॉलम की वर्टिकलिटी मेंटेन रहती है यहां लिख देते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ कॉलम मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ कॉलम अच्छा सर ठीक है मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ कॉलम इन प्लान मेंटेन्स अलाइनमेंट ऑफ कॉलम इन प्लान इसका मतलब क्या है जैसे मान लो ये तुम्हारा कॉलम यहाँ पे है मान लो आई सेक्शन का कॉलम यहाँ पे ये मान लो इस तरीके से कॉलम है चलिए ठीक है सर ये आपका कॉलम रहा बढ़िया समझ में आ रहा है कॉलम अब देखिए सर ऐसा रहेगा ये जो आपका कॉलम है ये जिस पोजिशन में मैंटेंड है ये हमेशा ऐसे ही मेंटेंड रहेगा ऐसा नहीं आएंगे कि थोड़ी आता देखेंगे तो आई ऐसा हो गया ऐसा होगा नहीं ये प्लान देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं और इसमें चेंजेस नहीं आएंगे सर इसमें चेंजेस नहीं आएंगे यही यहाँ पे बोल रहा है अलाइनमेंट मेंटेन रहेगा ठीक है प्लान में जो है अलाइनमेंट आपका मेंटेन रहने वाला है बस यही यहाँ पे कमाल की चीज़ होती है किसकी वजह जब आप स्लैब बेस प्रोवाइड करते हो स्लैब बेस और कॉलम आपस में चिपके रहते हैं ना स्लैब बेस हिल नहीं सकती अपनी जगह से कॉलम उससे जुड़ा हुआ था कॉलम भी हिलेगा नहीं ठीक है चलो तो यहाँ पर ये बात समझ आएगा दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और है कि वर्टिकल वर्टिकैलिटी कॉलम की मैंटेन रहती है ठीक है मेंटेन्स वर्टिकैलिटी ऑफ कॉलम मेंटेन्स वर्टिकलिटी इन कॉलम और तीसरा डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है वर्टिकलिटी इन कॉलम ये सारे देखो स्लैब फंक्शन लेकिन हाँ मेजर फंक्शन जो इसमें से है वो सबसे पहले ही वाला है ठीक है मेन काम बाकी चीजें तो चलिए साथ में आ रही तो अच्छी बात है और लास्ट है कंट्रोल्स कंट्रोल्स डिफ्लेक्शन ठीक है कंट्रोल्स डिफ्लेक्शन इन कॉलम कंट्रोल डिफ्लेक्शन इन कॉलम और फ्रेम है ना और फ्रेम्ड कॉलम या चलो ठीक है फ्रेम्स बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे मेजर फंक्शन जो हमारा हो गया वो हो गया पहला वाला ठीक है चलिए अब बात समझ आई सर हमको अब आपने फिर इसके बाद हमको बताया था कि ठीक है हमने कॉलम बेस प्रोवाइड करा ताकि लोड आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो और हम यहाँ पे तीन टाइप के कॉलम बेस प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है तीन टाइप के कॉलम बेस हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से तीन लोग प्रोवाइड करते हैं सर यहाँ आपने लिख दिया स्लैब बेस कसेट बेस और विलेज फाउंडेशन अब इनकी इमेजेस देखेंगे और बढ़िया समझने की कोशिश करेंगे ठीक है सर आर में टोटल कितने लेक्चर हैं क्योंकि प्ले में सेवेंटी नाइन वो डिलीटेड जो है उससे कोई मतलब नहीं बेटा उस दिन क्लास नहीं हो पाई थी बस ये समझो डिलीटेड में क्या था कि क्लास चली और ख़त्म हो गई ऐसा हो जाता है डिलीटेड मतलब ठीक है चल के खत्म हो गई तो बिल्कुल चिंता ना करो एस सी जे का कोर्स लेते हैं क्या बिल्कुल लेते हैं बेटा लेते हैं वो अलग बात है लिया नहीं बहुत दिनों से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो अब हमको ये तीनों समझना है स्लैब बेस कब देते हैं गसेट बेस कब देते हैं और ये कब देते हैं ठीक है तीन केस समझने की कोशिश करना पहले तुमको हम इन तीनों की इमेजेस दिखाते हैं फिर हम बताते हैं कब कब प्रोवाइड करते हैं देखो जब लोड नॉर्मल रहता है नॉर्मल लाइट लोड है और नीचे जो सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जानते हो क्या होता है कि सॉइल की कितनी मजबूती है देखो अगर नीचे वाला सॉइल लुल हो गया नीचे वाला सॉइल अगर लुल हो गया तो भैया ऐसा है वहाँ पे हम लोग स्लैब बेस और गसेट बेस नहीं दे पाएंगे क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है फाउंडेशन देने में है ना अगर नीचे के सॉइल की मजबूती अच्छी खासी है बेयरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है तो आप स्लैब बेस या गैसेट बेस देंगे अब सर पहले हमको बताइए ठीक है हमने ये माना हमने यहाँ पे एक अजम्पशन मान लिया कि नीचे जो मिट्टी है उसके पास सफिशेंट स्ट्रेंथ है और जो लोड आ रहा है वो आराम से झेल लिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो उस केस में हम लोग स्लैब बेस और गसेट बेस प्रोवाइड करेंगे अब स्लैब बेस तब प्रोवाइड करते हैं ना लोड हल्का होगा हल्का लोड हो और नीचे सॉयल मजबूत भी हो ठीक है लोड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है, है मान लो फ्रेम से बड़े बड़े ठीक है थोड़ा लोड ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग गसेट बेच देंगे लेकिन हाँ दोनों ही केस यहाँ लोड कम यहाँ लोड ज़्यादा लेकिन मिट्टी दोनों मजबूत है मिट्टी दोनों मजबूत है ठीक है और जो ग्रिलेज हम लोग देते हैं उसमें क्या होता है कि लोड भी अच्छे खासे हैवी होते हैं और नीचे फाउंडेशन बेकार होती है आपकी जो मिट्टी है फाउंडेशन कह रहे हैं सॉरी सॉयल में दम नहीं है ठीक है नीचे जो हमारी सॉइयल है उसमें दम नहीं निकल के आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या देते हैं उस केस में रिलेस फाउंडेशन तो तीनों की जरा इमेजेस देख के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे सबसे पहला जो हमारा इमेज यहाँ पे आ रही है ये आ रही कॉलम स्लैब बेस की ठीक है स्लैब बेस कसेट बेस रिलेस तीनों की इमेजेस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जरा ठीक है ध्यान देना तो सर देखिए यहाँ पे सबसे पहली इमेज जो आ रही है हमारी स्लैब बेस की आ रही है ये तो चलो इसका फ्रंट व्यू हम लोग आइसोमेट्रिक समझते हैं यहाँ पे इतना विजुलाइज हो रहा है थोड़ा सा जूम कर दें इसको कौ तो थोड़ा सा सर जूम कर दीजिए और इसको ले आइए एकदम बीचों बीच में ये हमारा एकदम बीचों विच में आ गया थोड़ा सा और ठीक है सर ये हो गया हमारा जबरदस्त डायग्राम ठीक है चलिए तो यहाँ पे जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है सर हमको यहाँ पे स्लैब बेस के अंदर स्लैब बेस में क्या देखने को मिल रहा है थोड़ा ध्यान देना हाँ देखो देखो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे सर एक आई सेक्शन अपना ये फ्लैंज है ये इसका वेब है ये फ्लैंज है ये आई सेक्शन जा रहा है नीचे तक ठीक है अरे अरे तो गलत लग गई गसेट है तो एक सेकंड रुको यार इमेज गलत लग गई यार ये तो लो धोखा हो गया धोखा हो गया यार बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये गलत लग गई यार यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि स्लैब बेस की गूगल में इमेज दिखाएं तुमको या चलो हम बनाई दे रहे हैं अपने हिसाब से तुम चलो ठीक है बना इसको ही बड़ा कर दे समझ लो इसको समझ लो देखो कुछ नहीं है वही सब सेम ही रहता है यार इमेज गलत लग गई यहाँ पे जल्दबाजी हो गई लग रहा है सर से चलो कोई नहीं होता रहता है। थोड़ा बहुत देखो हाई यही सब है आई सेक्शन आएगा ठीक है बाकी सर क्या देखिए अब यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये देखो नीचे अपना पेडेस्टल है वही देखो सीमेंट कंक्रीट का बेस है पेडेस्टल जो बताया था नीचे कंक्रीट नीचे कंक्रीट ठीक है कंक्रीट के ठीक ऊपर क्या देख रहे हैं सबसे नीचे सर हमने क्या देखा कंक्रीट देखा अच्छा ठीक है सर उसके ऊपर तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो ये देखो ये जो प्लेट देख रहे हो ये जो प्लेट है इसी को बोल रहे हैं कॉलम बेस इसी प्लेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉलम कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है भाई कहाँ लिख रहे हैं ये लोग बेस प्लेट पीछे ये डायग्राम बेकार उड़ गया बस हम क्या बताएं तुमको अब चलो कोई नहीं ये सर आपकी बेस प्लेट हो गई ठीक है ये बेस प्लेट हो गई अब देखो इस बेस प्लेट के ऊपर हमारा आई सेक्शन जा रहा है ना इस बेस प्लेट के ऊपर हमारा आई सेक्शन जा रहा है ठीक है आई सेक्शन यहाँ पे जा रहा है सर अपना ये है ना ठीक है सर ये भी नो प्रॉब्लम एकदम सही बता रहे हैं आप ठीक है बाकी तुम यहाँ पे देखो ये यह प्लेट यहाँ समझो नहीं है समझो यहाँ पे ये यह जो प्लेट तुम देखो ये वाली प्लेट जो ये लगी इसको मत मानो यहाँ पे क्योंकि ये गसेट प्लेट है ये गसेटेड बेस में होती है स्लैब बेस में नहीं होती है एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं बहुत यहां सुनो स्लैब बेस और गसेट बेस में यही फर्क है सबसे मेन फर्क यही है कि गसेट प्लेट किस में होगी गसेट बेस में होगी स्लैब बेस में गसेट प्लेट नहीं होगी ठीक है अब तुम उनको बताओ क्योंकि यहां पे गसेट प्लेट लगी हुई है यहां पे देखिए सर एक प्लेट इधर गसेट प्लेट लगी है यहां देखिए गसेट प्लेट लगी है अगर गसेट प्लेट नहीं हुई अगर गसेट प्लेट नहीं हुई तो इसका देखो लोड जब हैवी हो जाता है ना तो गसेट प्लेट की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कनेक्शन आपको बहुत मजबूती से देना पड़ता है तो गसेट प्लेट लग जाती है ना लोड हैवी है और उस केस में हम लोग यहां देखो वेब में भी यहाँ पे एंगल्स दे देते हैं पे क्लीट एंगल देख पा रहे हो दे रहे हैं है ना तो ये प्रॉब्लम आती है तो सर ये जो डायग्राम आपने दे दिया यहाँ पे स्लैब बेस का नहीं है सर ये डायग्राम आपका गसेट गसेट बेस का है क्योंकि क्यों? गसेट डेट यहाँ पे लगी हुई है अगर डेट ना होती तो हमारा ये स्लैब बेस होता ठीक है हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं वापस नहीं लेते बेटा शिवम ई सी में एग्जाम क्वेश्चन और मिलता है क्वेश्चन और मिलता है चलो तो सर यहाँ पे देखिए ठीक है हमारा ये हो गया कोई प्लेट अब देखिए इसमें एंगल लगे एक एंगल इधर लगा हुआ है एक एंगल इधर लगा है और कुछ एंगल्स आपके वेब पे लगे हुए हैं बस इस तरह से कनेक्शन कर दिया जाता है अब देखो यार हम हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं हम चाहें तो बोल्ट से कनेक्ट करें हम इस कॉलम को प्लेट से कॉलम को प्लेट से कॉलम को प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कई ऑप्शन हैं बोल्ट या तो वेल्डिंग जल्दी हमारे बोल्ट वेल्डिंग यूज होती है तो हम लोग यहाँ पे एंगल्स दे देते हैं सर देखिए यहाँ पे आपने एंगल दिया इधर यहाँ पे आपने एंगल दिया इधर चाहे तो आप यहाँ भी एंगल दे सकते हैं सामने है ना सामने भी एंगल आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो लगे हुए हैं सामने की तरफ ठीक है तो ये हमारा हो जाता है सिस्टम पूरा का पूरा अब देखो इधर ये वही डायग्राम जो तुमको बता रहे हैं ये वही डायग्राम तुमको जो बता रहे हैं देखो अब अब बताओ यहाँ पे कोई हमारी घसट प्लेट लगी है नहीं सर सर देखिए ये हमारी बेस प्लेट ये हमारा कॉलम इसका वेब सॉरी प्लैच और ये इसका वेब है यहाँ पे सर आपका एक एंगल यहाँ पे आपका दूसरा एंगल इधर आपका सामने वाला एंगल वेब का और यहाँ पे आपके बोल्ट लगे हुए हैं ठीक है एक बात समझ लो जब भी बोल्ट लगाने हैं तो एंगल तो लगाना ही पड़ेगा जब भी बोल्ट लगाना तो एंगल तो लगाना पड़ेगा ठीक है अभी हम वेब को वेल्डिंग वाला दिखाते हैं उसमें नहीं लगेगा ऐसा वेल्डिंग वैसा नहीं होता भाई ये बात समझ में आई अच्छा तो ये स्लैब बेस है कि गसेट बेस है कमेंट करो ये कौन सा बेस है सर ये स्लैब बेस है क्यों सर ये स्लैब बेस है ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे गसेट प्लेट नहीं लगी है नो गसेट प्लेट नो गसेट प्लेट बात समझ में तुमको बताओ मजबूत ज्यादा कौन होगा ऑब्वियसली यहाँ पे मजबूत ज्यादा कौन होगा हम्म हा बकलिंग होगी नहीं लेकिन हम लोग लोडी एक्सेल लगा रहे हैं है ना देखो इतने तुम लोग होशियार हो कि अगर यहाँ प्लेट लगाओगे तुम समझ सकते हो यहाँ पे इसकी इधर उधर मुड़ने की या बेंड होने की टेंडेंसी क्या होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी इतना समझ सकते हो यहाँ पे इसकी स्टिफनेस इस डायरेक्शन में इतनी नहीं है जितनी इसकी ज्यादा है तो लोड ज्यादा हो अब देखो सर ऐसा होता है ना जनली हमने यह सीख रखा है कि जब हमारा कॉलम है तो कॉलम में दो ही लोड पड़ते हैं जल्दी एक तो पड़ता है तुम्हारा एक्सेल लोड है ना और दूसरा यार एक्सेल लोड के साथ साथ कभी वो लोड अगर हल्का फुल्का इधर तो उधर हो गया तो साथ साथ बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा हैवी जब बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ रहा हो तब तुम बताओ हम बोले कि एक्सेल लोड भी लग रहा है लेकिन बाइंडिंग मोविड अच्छा खासा आ रहा है तो तुम बताओ इनमें से कौन सा प्रीफर करोगे जल्दी बताओ तब हम लोग यहाँ पे गसेटेड बेस लेना प्रीफर करेंगे कि स्लैब बेस तुम बताओ अपने दिमाग से सोच के बताओ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम ठीक है कौन सा लेना प्रेफर करेंगे जल्दी बताएंगे सब लोग कौन सा लेना प्रीफर करेंगे है ना बिल्कुल सही बोलो गसेट गसेटेड गसेट बेस लेंगे उस केस में ठीक है चलिए बात हमको समझ में आई बात सर हमको बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आई यहाँ पे तो ये हमारा हो गया स्लैब बेस का डायग्राम ठीक है तो छोटे लोड्स और सर है ना अभी तुमने जस्ट बोला कि सर बेंडिंग वॉइट्स हैं भी हो तो इधर आइए और जब आपका एकदम नॉर्मल एक्जेल लोड लग रहा हो जब आपका नॉर्मल एक्जेल लोड लग रहा हो एकदम बीचों बीच लग रहा हो ठीक है अच्छा उस केस में तुमको ये भी पता है अगर हमारा एकदम वर्टिकल एक्जेल लोड लग रहा होगा तो जो हमारा यूनिफॉर्म कंप्रेशन आएगा नीचे से ठीक है सॉइल जो नीचे से प्रेशर देगी वो कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा कि नहीं बताओ अब यही लोड अगर मान लीजिए तो खिसकेगा मान लीजिए यहाँ पे एक बेंडिंग वोइट आ गया तो यही सारे डायग्राम जो आपके ऐसे बने हुए हैं वो आपके ऐसे बन जाएंगे है ना यही सारे डायग्राम सर आपके ऐसे बन जाएंगे यही सारे डायग्राम आपके ऐसे बन जाएंगे ये सो नो बताओ ऐसे ठीक है तो हमारा अभी फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हमारे वर्टिकल लोड लगा है तो हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म कंप्रेशन आया हुआ है ठीक है यूनिफॉर्म कंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है इसको सब लोग ध्यान रखेंगे ठीक है सर ये आसान सी बात है बाकी डिजाइन है तो देखो हम लोग ऑब्वियसली हर चीज़ कंसडर करनी पड़ेगी तो ये हमारा स्लैब बेस हो गया बाकी गसेट बेस को अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से तो गसेट बेस की इमेज हमारे सामने यहाँ बनी हुई है बढ़िया सी और इसमें लोग क्या देख पा रहे हैं सर क्या देख पा रहे हैं सर ये आपने हमको ऑलरेडी समझाई दिया अभी पीछे बस देखिए यहाँ पे क्या है सर यहाँ पे गसेट प्लेट एक्स्ट्रा आ गई है देख पा रहे हैं सर लोग गसेट प्लेट बिल्कुल सर देख रहे बाकी आई सेक्शन है गसेट प्लेट है और यहाँ पे फिर अपने एंगल्स हैं उधर वेब क्लीट लगे हुए हैं वेब क्लीट ये हमारे फ्लैं क्लीट एंगल है फिर हमारे फाउंडेशन बोल्टस भी हैं अच्छा एंगल देखो पिछले वाले में पिछले वाले में देखो यहाँ पे फाउंडेशन में कोई बोल्ट थे नहीं थे सर जरूरत ही नहीं थी इतना ज़रूरत ही नहीं है ठीक है इतना ज़रूरत नहीं है आप से उसको कनेक्ट करिए ठीक है चाहो तो लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ देखो यहाँ हम देखो फाउंडेशन बोल्ट दे रहे हैं ठीक है मजबूती ज़्यादा चाहिए नीचे भी बढ़िया से, से पकड़ो साइड से भी साइड से पकड़ो गसट लगाओ ताकि और बढ़े ये हमारी कौन सी हो गई बेस प्लेट लेकिन ये जो बेस प्लेट है इसमें गसेट प्लेट भी लगी हुई है ये है सर खास बात ठीक है ये हमारा हो गया कौन सा बेस गसेटेड बेस फिर हमारी आती है कौन सी ग्रिलिज फाउंडेशन और इसको सर आपने उनको देखिए ग्रिलिज फाउंडेशन आपने बताया कि ऐसा है कि भैया लोड सॉइल जो है ना सॉइल उसकी बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है अब तुम एक बात समझो मान लो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी मान लो बहुत कम है समझने की कोशिश करना मान लो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी काफी कम है फिफ्टी फिफ्टी मान लो फिफ्टी के पर मीटर स्क्वायर और तुम्हारा लोड लग रहा है मान लो यहाँ पे पांच सौ ठीक है पाँच सौ नहीं थोड़ा ज़्यादा मानो मान लो हज़ार मान लेते लोड लग रहा है ठीक है हज़ार न्यूटन तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी सर देखिए आपका लोड कितना है हज़ार न्यूटन आप उसको सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी वैसे डिवाइड करेंगे सॉइल इससे ज्यादा लोड नहीं झेल सकती ठीक है काफी कम है कैपेसिटी है अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे एरिया निकल के आ रहा है लगभग लगभग बीस मीटर स्क्वायर अब तुमको बीस मीटर स्क्वायर लग रहा होगा बहुत कम लेकिन बीस मीटर स्क्वायर वैसे एक फाउंडेशन के लिए एक फुटिंग के लिए बहुत बड़ा होता है बीस मीटर स्क्वायर एरिया ठीक है बीस मीटर स्क्वायर बड़ा एरिया है सर देखिए बीस मीटर स्क्वायर तो हमसे हो नहीं पाएगा सीधी सी बात अगर हम समझे हम यहाँ पे अब हमको कुछ दिमाग लेना पड़ेगा हमको पता है जब हम हज़ार ठीक है हमको पता है सर जब हमारा हज़ार का लोड है हमको पता है सर यहाँ पे जब हज़ार का लोड है अगर हम उसको तो बीस मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है पचास मिल रहा है ठीक है वही तभी तो मतलब बीस मीटर स्क्वायर का ये तो कम से कम लेना ही पड़ेगा अब हम क्या करें सर मजबूरी है ठीक है लेकिन इतनी जगह हमारे पास है नहीं तो क्या करेंगे यार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक नीचे कॉन्क्रीट पैड बनाते हैं कॉन्क्रीट पैड बनाओ उस पर आई बीम देखो कैसे रखी गई एक बीम दूसरी बीम बगल में देखो आई 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 सारी बीम देखो लाइन से रखी गई एक दूसरे के बगल में है ना पहली लेयर जो होती है सर पहली लेयर पहली लेयर जैसे तुमने सैंडविच खाया कि नहीं सैंडविच को ग्रिल करते हो तुम लोग को तो देखते हो पहले एक लाइन सैंडविच ऐसे पड़ती है और एक लाइन सैंडविच ऐसे बनती है और सैंडविच के ऊपर छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं ये किसने देखा हुआ है इस तरह का सैंडविच है ना बताओ देखा है कि नहीं देखा है वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है पहले सर देखिए पहले सारी आई बीम जो है जितनी भी यहाँ पे सारी की सारी आई बीम है पहले ऐसे रखी गई हैं पहले सारी ऐसे रखी गई हैं देखो लेयर वन में लेयर वन में सारी ऐसी रखी गई हैं ठीक है ठीके? लेयर वन में सारी सर इस डायरेक्शन रखी गई हैं दिख रहा है कि नहीं सबको सर बिल्कुल देख पा रहे हैं हम लोग ऐ, सब इधर रखी हुई हैं इधर और सेकंड लेयर में रखी है सर इधर सेकंड लेयर में सब इधर मूव करके रखी हुई हैं थर्ड लेयर पर सब सारी की सारी इधर रखी गई हैं ठीक है अब तुम बताओ ये जो तुमने सैंडविच यहाँ बना दिया है ये जो सैंडविच बनाया हुआ है एक बार आपकी बीम इधर डायरेक्शन में एक बार इधर डायरेक्शन में एक बार इधर डायरेक्शन में जो ये सैंडविच बनाया बनाएगा यहाँ पे बताओ इस सैंडविच से क्या होगा इस सैंडविच से बताओ जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सैंडविच का एरिया बढ़ता जा रहा है तो बताओ हमारा जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा कमेंट करो ठीक है जो प्रेशर है वो कैसा होता जाएगा राकेश कह रहे हैं कॉलम स्प्लाइस में पैकिंग प्लेट प्लेटल क्राइटेरिया क्राइटेरिया सब वही सही पुराने वाले हैं सारे सब जैसे बोल्ट में चलते थे क्राइटेरिया वही है सारे वही उसमें अलग नहीं है कुछ भी है ना हाँ ये बिल्कुल ये बेटा अन्नी ने बिल्कुल सही कहा ये जैसे प्लाईवुड में विनिर जैसा है वैसे ही है ना एकदम वैसे ही मिल रहा है एक पैलल परपेंडिकुलर पैल इस तरह चलता है ठीक है और नीचे तुम्हारा एरिया इतना ज्यादा हो चुका होता है नीचे एरिया इतना ज़्यादा हो चुका होता है क्योंकि देखो अब वही लोड वही जो कॉलम से लोड आ रहा है वो कितनी सारी आई बीम से जा चुका है कितनी सारी आई बीम से जा चुका है ना तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है और ये तभी देते हैं जब हमारी सॉयल की तुमसे एग्जाम पता क्या पूछेगा एग्जाम में तुमसे बस इतना पूछेगा कि ग्रिलेश फाउंडेशन देते का मैं इंटरव्यू तुमसे क्या क्या पूछेगा कि ग्रिलेश फाउंडेशन देते का मैं तुम्हारों से इतना बोलना तब देते हैं कमेंट करो कब देते हैं कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो कब देते हैं ठीक है फिर तुमको हम थोड़ा वेल्डेड बेस क्या रहे बताएंगे यहाँ लिखते हैं जनाब सर बहुत कहानी कहानी बहुत ज़्यादा हो गई है अब यहाँ लिखते हैं सर देखिए स्लैब बेस जल्दी जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा सा लोड कम ही रहता है ठीक है तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर डायरेक्ट लोड्स जल्दी फॉर प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट लोड्स बहुत केयर रखनी पड़ती है इसको बनाते समय हाँ <coughs> बिल्कुल सही चलो वेरी गुड वीक सॉइल हो यहां लिखते हैं पहला पॉइंट फॉर लाइट लोडिंग ठीक है पहला फॉर लाइट और लाइट लोडिंग और लाइट लोडिंग ठीक है दूसरा पॉइंट सर आप यहां बता रहे हैं स्लैब बेस जनरली हम लोग डायरेक्ट लोड से केस डायरेक्ट देखो दो तरह के लोड है भाई एक होते हैं डायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट ठीक है एक होता है सर हमारा डायरेक्ट लोड चलो पूरा लिखी देते हैं यहाँ पे एक सर हमारा होता है डायरेक्ट लोड जिसमें बेंडिंग मोमेंट ना हैं लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सियल लोड्स के लिए मोर सूटेबल है डायरेक्ट एक्सियल लोड्स ठीक है सूटेड फॉर डायरेक्ट एक्सियल लोड्स इसके लिए मोर सूटेबल है ऐसा नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन नहीं करते हैं हम डिजाइन तो ऑब्वियसली उनको दोनों के लिए पढ़ाएंगे इसी का ठीक है अब आती बारी गसेटेड बेस की अब आती बारी सर गड गसेट, गड बेस की ठीक है जब तुम ये सब समझ लोगे फिर इसका डिज़ाइन एक एक क्लास में देख लेंगे एक क्लास में इसका डिज़ाइन एक क्लास में इसका डिज़ाइन कहानी ख़त्म चैप्टर खत्म हो जाएगा ग्रिलेज कहोगे तो पढ़ाएंगे नहीं कहोगे तो छोड़ देंगे ठीक है इसका क्या होगा सर और ही लोड्स ठीक है और हैवी लोड्स लोड्स पड़े जब ज़्यादा हों ठीक है उसके असर यहाँ पे ये है ये ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए जब बेंडिंग मोमेंट आपका आ रहा हो ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट लोड के साथ साथ यहाँ पे आपके डायरेक्ट रोड के साथ साथ एक एडिशनल बेंडिंग भी लग रहा हो ठीक है तब आपके केस में ये स्लैब बेस थोड़ा सा इतना इफेक्टिव उस केस उसके घसरी बेस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ठीक है तो लिखते हैं इट इज मोर सूटेबल इन केस ऑफ इट इज मोर सूटेबल मतलब आपको तब प्रोवाइड करना चाहिए इट इज मोर सूटेबल टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड केस ऑफ प्रोवाइड इन केस ऑफ एक्सल लोड एक्सलोड प्लस बेंडिंग ओमेंट प्लस बेंडिंग ओमेंट ठीक है और दोनों ही केस में जो नीचे की सॉइल है वो कैसे मान के चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग सॉइल है मतलब कोई बहुत वीक नहीं है सफिशियंट बियरिंग सफिशियंट वहां पे उसकी बियरिंग कैपेसिटी है ठीक है ग्रिलेश फाउंडेशन के लिए लिखते हैं जरा यहाँ पे हम लोग ग्रिलेश फाउंडेशन के लिए लिखते हैं लिख देते हैं यहाँ पे ग्रिलेश फाउंडेशन के लिए बढ़िया से क्या लिखेंगे सर कि दीज आर प्रोवाइडेड

Soil is low, और यहां लिख सकते हैं लेयर ऑफ आई बीम्स आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड आर यूज ऑफ़ आई बीम्स आर यूज तो ताकि ऐसा हो सके ताकि जो हमारा स्ट्रेस है सर ताकि हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी से क्या हो सर वो सॉयल की बेयरिंग कैपेसिटी से क्या हो जाए कम हो जाए यही कोशिश हम लोग की रहती है ठीक है भाई मेरा जो स्ट्रेस आ रहा है नीचे से ठीक है जो प्रेशर हमारा जनरेट हो रहा है वो सॉइल की बेरिंग वैसे से कम हो जाए जबकि सॉइल की बेरिंग की वैसे खुद बहुत कम है सॉइल की बेरिंग की वैसे खुद बहुत ज्यादा नहीं है आपने 50 का एग्जांपल लिया था तो उससे भी कम हो जाए हमारा स्ट्रेस इसके लिए लंबी लंबी आई आईवीएम हम लोग प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब लंबी लंबी आईव्यूज देंगे तो एरिया बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है यहाँ पे इसको प्रेशर लिख देते हैं आर यूज सो दैट सो दैट क्या हो जाए हमारा प्रेशर सो दैट प्रेशर आपका क्या हो जाए इससे कम हो जाए ठीक है चलिए सर एकदम बेसिक से हमको सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे कुछ और हम लोग इमेजेस वगैरह देखते हैं कुछ और हम लोग इमेजेस वगैरह यहाँ पे देखते हैं ठीक है अच्छा तुमको हमने बोल्टिंग के समझा दिया वेल्डिंग का नहीं समझाया कि वेल्डिंग आखिर देखिए कैसे है ना वेल्डिंग कैसे दिखेगी हाँ वो हम लोग देखते हैं जरा है यहाँ पे ठीक है वेल्डिंग थोड़ा सा दिखाइए सर जरा तो आपने देखिए सर अभी तक क्या पढ़ा दिया सर बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से सर आपने हमको कॉलम बेस के अंदर समझाया कॉलम बेस आखिर प्रोवाइड क्यों करते हैं ठीक है प्रोविज़न ऑफ़ स्लैब बेस स्लैब बेस नहीं लिखेंगे स्लैब बेस थोड़ा गलत लिख जाएगा यहाँ पे यहाँ जनरल बातें चल रही है प्रोविज़न ऑफ स्लैब बेस ना बोल के प्रोविज़न ऑफ कॉलम बेस बोलेंगे है ना तो ये हमारी जनरल स्लाइड है जनरल साइड है प्रोविजन ऑफ कॉलम बेस क्यों करते हैं ठीक है तो ये सब सबने बताया कॉलम सीधा रहे लोड अच्छे ट्रांसफर हो जाए ये सब फिर कॉलम बेस तो लोग समझ गए फिर कॉलम बेस तीन टाइप के होते हैं कब कब कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी समझ गए कॉलम कैप क्या होती है वो भी समझ गए ऊपर से लोड नीचे लाने के लिए ईजिली वो हम लोग समझ चुके हैं कॉलम कैप उसके सर आपने जो तीन टाइप के बेस बताए थे एक आपने कॉलम स्लैब बेस बताया था ये डायग्राम गलत हो गया थोड़ा सा माफी चाहते हैं हम कल इसको सही कर देंगे इसमें सर कुछ ऐसा नहीं है बस ये आपका क्या नाम है यहाँ पे जो गसेट प्लेट देख रहे हो बस यहाँ गसेट प्लेट नहीं होनी चाहिए थी बस बाकी डायग्राम बढ़िया था ठीक है गसेट प्लेट नहीं होनी चाहिए थी पता नहीं कहाँ से उठा ली जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया ये सर हमारा गसेट प्लेट का डायग्राम हो गया उसके बाद हमारा ग्रिलेज का डायग्राम हो गया ये हम समझ चुके हैं आप थोड़ा सा वेल्डेड की बात करते हैं सर देखिए अभी तक आपने सिर्फ बोल्टिंग वोल्टिंग कर रखी है आपने जो एंगल लगाया एंगल में आपने बोल्ट लगाए ठीक है हमको बताइए क्या हमारा जो आई सेक्शन प्लेट से कनेक्ट करने वाले हैं ये जो हमारी प्लेट है कॉलम बेस इसमें जो ऊपर से कॉलम आ रहा है अपना आई आई सेक्शन जो आ रहा है ऊपर से उसको क्या वेल्डिंग कर सकते हैं क्या वेल्डिंग कर सकते हैं हाँ वेल्डिंग कर सकते हैं उसके देखो कैसे कर रहे हैं यहां पर देखो ये तुम्हारा पहला केस है इसको ऊपर से देख रहे हैं इसको साइड से देख रहे हैं ये देखो यहाँ पे दो बोल्ट लगाए गए हैं ये दो बोल्ट देखो पहले क्या होता है प्लेट लगाई पहले हमने प्लेट लगाई प्लेट को और ब्लॉक को दो बोल्ट से जोड़ दिया प्लेट को और ब्लॉक नीचे जो कॉन्क्रीट ब्लॉक है उसको दो लंबे लंबे बोल्ट से जोड़ दिया बोल्ट बड़े लंबे लंबे होते हैं देखो बोल्ट काफी लंबे हैं ठीक है ठीक है सर बोल्ट ये सब ने देखा होगा शायद रेलवे स्टेशन गए होगा तो ये पक्का तुमने देखा हंड्रेड परसेंट हम बता रहे तुम्हें लिख के और तुमको और डायग्राम दिखाते हैं आज तुम सारे डायग्राम जरा विजुअल जर्नी पूरी ले लो बाकी डिजाइन लोग कल देख लेंगे ठीक है तो ये हमारे बोल्ट हो गए ये हमारी प्लेट है ये बोल्ट है बाकी ये तुम्हारा आई से... उसके बाद क्या करो आई सेक्शन रखो आई सेक्शन रख दिया सर हमने कोई दिक्कत नहीं और उस आई सेक्शन को क्या करो चारों तरफ से फिर उस आई सेक्शन को चारों तरफ से क्या करो फिर उस आई सेक्शन को चारों तरफ से क्या कर दो भाई वेल्डिंग ठीक है सर वेल्डिंग है हल्के लोड के केस में इस तरह से हम लोग करते हैं ठीक है थीके? अच्छा और बताइए क्या केस है सर और ऐसा होता है कि तुमने पहले बेस रखा फिर उसका बेस का वो सिस्टम तैयार किया बेस का सिस्टम तैयार किया ताकि बेस को तुम अच्छे से जोड़ पाओ ठीक है ये जो बोल्ट है ये सब देखो पहला काम बेस को चिपकाना ही है पहला काम क्रीट ब्लॉक और बेस को चिपकाना है आपस में उसके बाद अगला काम हमारा क्या होता है आई सेक्शन प्रोवाइड करना फिर तुम आई सेक्शन प्रोवाइड करो और यहाँ पे भी क्या कर दो वेल्डिंग कर दो यहाँ पे भी क्या कर दो वेल्डिंग कर दो ठीक है तो वेल्डिंग कर सकते हैं अब बताओ यहाँ पे हमने इस आई को इस कॉलम को बेस से जोड़ने के लिए क्या यूज किया कमेंट करेंगे सब लोग कॉलम को बेस से जोड़ने के लिए कॉलम को बेस प्लेट से जोड़ने के लिए क्या यूज किया बोल्ट की वेल्ड कमेंट करो सर इस कॉलम को बेस प्लेट से जोड़ने के लिए मैंने यहां पे बोल्टिंग यूज नहीं करी मैंने यहां वेल्डिंग यूज करी वेल्डिंग आप जरा बोल्टिंग वाला डायग्राम दिखाइए सर देखो बोल्टिंग अलग सिस्टम चल रहा है इस डायग्राम में हमारा जो कॉलम है उसको प्लेट से जोड़ने के लिए आपने एंगल यूज किया और एंगल के साथ बोल्ट लगाए बताओ हमको ही बताओ जब बोल्ट से जोड़ते हैं तो एंगल लगाना जरूरी है कि नहीं बताओ समझने की कोशिश करो जब बोल्ट के साथ हम प्लेट में जोड़ रहे हैं तो बताओ एंगल लगाना जरूरी क्योंकि एंगल सर होता है क्या ना एंगल है ऐसा आपका ठीक है इधर इधर आपका कॉलम जुड़ेगा इधर आपका बेस बिल्डू जाएगा ठीक है इधर आपका कॉलम जुड़ रहा है इधर आपका बेस प्लेट जुड़ रहा है एंगल में आपको आपको मजा मिल रहा है दोनों साइड और आप फिर बोर्ड लगा पाएंगे लेकिन वेल्डिंग ऐसा है वेल्डिंग डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं वेल्डिंग में आप डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं ठीक है यहाँ भी देखो अब यहाँ पे देखो उन्होंने एंगल यूज़ कर लिया ऐसा नहीं है यहाँ पे देखो उन्होंने एंगल भी यूज़ कर दिया है ठीक है यहाँ देखो अगर तुम इसका डायग्राम ये बना हुआ है इसका डायग्राम ये बना हुआ है इसका डायग्राम ये बना हुआ है यहाँ पे देखो उन्होंने एंगल यूज़ कर रखे हैं ये देखो एंगल यूज़ कर रखे हैं ठीक है तो एंगल यहाँ पे इन्होंने इससे यूज़ कर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा पहले प्लेट और कॉलम को जोड़ा ट और कॉलम के बीच में देखो वेल्डिंग करी यहाँ पे ठीक है फिर उसके बाद ये एंगल लगा के क्या करा बोल्ट जोड़ दिए ये सबसे ज्यादा मजबूती इससे आ जाती है इससे क्योंकि यहां पे जो बोल्ट है वो इधर भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ कॉलम से भी जुड़ा हुआ है है ना यहां देखो तुमने बोल्ट को अलग से जोड़ रखा है लेकिन अगर तुम इसके साथ जोड़ोगे तो यहां पे पूरा और और यूनिटी आएगी तीनों के बीच में और तीनों के बीच में यूनिटी आएगी तीनों एकदम एक साथ चलेंगे यहाँ पे तीनों यहाँ पे एक साथ चलेंगे तो ये हमारा जनरल वेल्डिंग का सबसे जनरल केस है जब हम लोग यहाँ पे लाइट लोडिंग लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग जल्दी करते हैं और ये लाइट लोडिंग हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुत कॉमन है क्योंकि स्टील रूफ में जो ऊपर होती है उससे इतना लोड नहीं आता है तो हम लोग ये बहुत कॉमनली रेलवे प्रोवाइड करते हैं ठीक है तुमने शायद कुछ और सीन्स भी देख रखे हो यहाँ देखो थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टिफनर्स यूज़ करते हैं ये देखें है कुछ स्टिफनर्स इस तरह के लगे रहते हैं बताओ किसने देख रखे हैं इस तरह के स्टिफनर ये भी बहुत कॉमन सीन है जो तुमको रेलवे प्लेटफॉर्म पर इजली दिखाई देगा ये ब्रैकेट प्लेट्स लगती हैं चारों तरफ ठीक है ये ब्रैकेट प्लेट लगी हुई है क्यों लग रही है यार ये ब्रैकेट प्लेट ताकि हमको मजबूती मिले सर देखिए ये जो ब्रैकेट प्लेट लगी है ये जो स्टिफनर्स लग रखे हैं ये लग रखे हैं ठीक है ये सब क्या है ये मजबूती दे रहे हैं यार ये हमारे वेल्डेड बेस को मजबूती दे रहे हैं बताओ गलत कह रहे हैं सही बात है ये सब ने ज़रूर देख रखे होंगे आज हम उनको थोड़ा सा इमेजेस अच्छे से दिखा देते हैं ताकि सब कुछ उनको बढ़िया से एकदम समझ में आ जाए यहाँ पे ठीक है ये तुम्हारी प्लेट हो गई ये प्लेट हो गई ये सब चारों तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं इसको और स्टिफनेस अब मान लो जैसे मेरा कॉलम है मेरा कॉलम सब मान लीजिए इधर नहीं मुड़ रहा इस डायरेक्शन नहीं मुड़ता इधर मुड़ता है सिर्फ सिर्फ इधर मुड़ता है इधर नहीं मुड़ता ठीक है सिर्फ इधर मुड़ रहा है अब जब इधर मुड़ रहा है सर इधर मुड़ रहा है तो मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा बेटा तुम इधर बहुत ज़्यादा मुड़ रहे हो तुम इधर बहुत ज़्यादा मुड़ रहे हो काम करते हैं यहाँ लगा देते हैं एक प्लेट ताकि इधर मुड़ना और इधर मुड़ना हो जाए बंद देखो यहाँ लगा दी एक प्लेट यहाँ लगा दी एक प्लेट ठीक है जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए जिधर प्रॉब्लम आए यहाँ लगा दो यहाँ पे प्लेट ठीक है जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए उस डायरेक्शन में आप प्लेट लगा सकते हैं जिस तरफ बकलिंग की टेंडेंसी ज़्यादा हो जिस तरफ बकलिंग टेंडेंसी बताओ अन्नी जी कह रहे हैं यही देखा था पेट्रोल पर वेल्ड था स्टीफनर कॉलम हाँ हम तुमको इसका डिज़ाइन पढ़ा देंगे कोई बड़ा काम नहीं बहुत सिंपल है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ठीक है देखो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनता है डिज़ाइन में उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो नीचे प्लेट दे रहे हैं ना ये बेस प्लेट इसकी थिकनेस क्या रखें ये सबसे बड़ा सवाल है अगर तुम्हारा ये सॉल्व हम लोग इसके फॉमले वगैरह पढ़ डिराइव कर देंगे तुम्हारे लिए ठीक है बस ये हम लोग को समझना है एक क्लास के अंदर और बाकी तो सब बहुत आसान काम है बाकी सब कोई बड़ा काम नहीं है ठीक है तो ये तुम्हारे वेल्टेस वेल्डेड बेस हो गए जिससे तुम्हारी रिजिडिटी बकलिंग टेंडेंसी एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो तुम लोग किसी भी है ना मान लो दोनों एक्सेस देखो अब तुम यहाँ समझने ने कोच करना समझने ने कोच करना देखो यहाँ पे इन्होंने अब तुम उनको खुद बताओ हम तुमसे पूछेंगे किधर वीक है किधर स्ट्रॉग है तुम डायग्राम देखिए बताना अब देखो सर ऐसे मान लो लोडिंग पे ऊपर होता है सर देखिए आपने स्टिफनर जानबूझ के आपने इस डायरेक्शन प्रोवाइड किए हैं इस डायरेक्शन प्रोवाइड किया बताओ यहाँ पे इसका मतलब इसका मतलब क्या है हम यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब ये है सर बताओ एक y एक्सेस है सर एक z एक्सेस है बताओ किस में बैंडिंग इसकी ज़्यादा खतरनाक थी किस एक्सेस में बेंडिंग इसकी ज़्यादा हो रही थी जो मैंने स्टिफनर यहाँ पे ऐसे लगाए बताओ कमेंट करो सर ये मेरी y एक्सेस है ये मेरी z एक्सेस है क्या ऐसे ऐसे मुड़ जाता रहा था यहाँ पे या ऐसे ऐसे ज्यादा मुड़ रहा था या ऐसे ऐसे ज्यादा मुड़ रहा था कैसे ज्यादा मुड़ रहा था ये क्या आपने स्टिफनर ऐसे लगाए बताओ यहाँ पे माइनर को स्ट्रेंथ किया है कनेक्टेड कैसे बेटा वेल्डिंग से देखो ये ब्लैक रंग की वेल्डिंग करी हुई है है ना ये कोई काला टेप नहीं चुका है ब्लैक चारों है। है, हाँ, है? है तो वाई को स्ट्रेंदन किया गया है ना तो ये सब तुम लोगों को समझ पा रहे हो कि बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है जो तुमको समझ नहीं आ रही हो है ना तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई एक्स को स्ट्रेंदन किया है ठीक है यहाँ लिखते हैं हम लोग

ये सैंडविच नहीं बना है पता लगा सैंडविच समझ के खा गए तुम इसको स्ट्रेंथेंड इस पता चला तुम रेलवे प्लेटफार्म प्लेटफॉर्म तुम खड़े हो तुमको भूख लग रही है तुमने यहाँ से, से इसको पकड़ा सैंडविच निकाले खा गए है कि नहीं और फिर पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई हो It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest, engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. An academy combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest combat live with peers to get real-time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge an academy combat Register now.